एंड दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अति शिक्षक का आवेदन आपको कहाँ पर जमा करना है, एक या एक से अधिक स्कूल में आप जमा कर सकते हैं कि नहीं, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, और तो आप किस सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं एंड किस वर्ग में पढ़ा सकते हैं। वर्ग एक में पढ़ा सकते हैं, वर्ग दो में पढ़ा सकते हैं, वर्ग तीन में पढ़ा सकते हैं, तीनों वर्ग में पढ़ा सकते हैं, तो उसी की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक जानकारी ओपन की, इसके माध्यम से आपको बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात कर ले क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने हायर स्कूल मतलब 12वीं 10वीं की है, ठीक है, अगर आपने 10वीं की है एमपी बोर्ड के माध्यम या सीबीएसई के माध्यम किसी के माध्यम से कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट। अगर आपने 12वीं 11वीं की है पीसीएम मतलब गणित से, तो आप जो है वो ठीक है। अगर आपने 10वीं 12वीं की है तो 10वीं में आप पढ़ा सकते हैं कोई सा भी सब्जेक्ट, पढ़ा सकते हैं कोई प्राइमरी वालों को, ठीक है, प्राइमरी मतलब वर्ग तीन में आप कोई सा भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। एंड वर्ग दो की बात करें तो वर्ग दो में अगर आपने 12वीं में गणित सब्जेक्ट से की है तो आप वर्ग दो में गणित पढ़ा सकते हैं, ठीक है, वर्ग दो में नहीं, सॉरी, वर्ग तीन में आप गणित पढ़ा सकते हैं 12वीं में। और अगर आपने 12वीं एग्रीकल्चर से किए तो एग्रीकल्चर पढ़ा सकते हैं, बायो से किए है तो बायो पढ़ा सकते हैं। अब बात करें ग्रेजुएशन की, आपने ग्रेजुएशन में आप पढ़ा सकते हैं वर्ग दो को, एंड वर्ग दो में आप पढ़ा सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन गणित से की है तो आप वर्ग दो में गणित सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, अगर आपने हिंदी से की है तो हिंदी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी किया है तो आप बायो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपने जो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है केवल आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने ग्रेजुएशन गणित से किया है तो हम केवल वर्ग दो में गणित ही पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा हम दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करें कि पोस्ट ग्रेजुएशन हमने एमएससी की है गणित से, तो हम वर्ग एक में गणित पढ़ा सकते हैं, उसके अदरवाइज दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। अगर आपने एमएससी हिंदी से की है तो आप हिंदी पढ़ा सकते हैं, अगर आप एमएससी इंग्लिश से करते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, अगर आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की इससे की है तो आप बायो पढ़ा सकते हैं, अगर आपने एमएससी जिस भी सब्जेक्ट से की है आप उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी गणित से भी की है और इंग्लिश से भी की है तो आप इसमें गणित और इंग्लिश दोनों पढ़ा सकते हैं, जो आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपको गणित पढ़ाना है तो गणित पढ़ाइए, अगर इंग्लिश पढ़ाना है तो इंग्लिश पढ़ाइए। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस से की है तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। एंड अदरवाइज कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या 12वीं की है, वही सब्जेक्ट आप वर्ग एक दो तीन में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। 10वीं 12वीं अगर आपने 10वीं 12वीं की है तो आप केवल वर्ग तीन में पढ़ा सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो वर्ग दो में पढ़ा सकते हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री जो भी अगर आपने की है तो आप उसमें फिर पढ़ा सकते हैं वर्ग एक में। यानी कि 10वीं 12वीं वाले केवल पहली से 5वीं तक पढ़ा सकते हैं, एंड ग्रेजुएशन वाले पढ़ा सकते हैं पहली 5वीं से 8वीं तक, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पढ़ा सकते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई समस्या आ रही है, आपका स्कोर कार्ड जनरेट होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कंप्यूटर स्ट्रक्चर की भर्ती जो होनी है वो कब होगी और उसमें स्कोर कार्ड में कौन सा लगेगा, SS2 वाला लगेगा, SS2 IT वाला लगेगा, और वो किस सब्जेक्ट से आएगा, एंड वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को अभी तक आपने ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इट वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।